नमस्कार। जिंदगी उलझी उलझी रहती है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें यार। कोई काम हाथ में लेते तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। जो लाइफ चलनी चाहिए स्ट्रेट, वो नहीं चल रही है। कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। ये 7 अच्छी आदतें आप जान लो, आपकी उलझी हुई जिंदगी को सीधी कर देगी। और वो 7 अच्छी आदतें क्या हैं, ये देखो। सबसे पहले नंबर 1, इग्नोर करना सीखो। बहुत से लोग क्या करते, छोटी छोटी बातों पर दिल पे ले लेते हैं और अपने लक्ष्य से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे यार, वो क्या कह रहा है यार, उसने ये बात कह दिया, उसने ये कह दिया, दिल पे लेते हैं, दिमाग में बात घूमती है और टाइम वेस्ट हो जाता है। सामने वाले के बारे में ही सोचते रहते हैं। ध्यान रख लेना यार, ये दुनिया है साफ, छोटी छोटी बातें आपको इग्नोर करनी होगी। अगर छोटी छोटी बातों पर दिल पे लोगे ना, तो समझ लेना कि आपकी लाइफ कभी स्ट्रेट नहीं चल पाएगी। आप लोगों की बातों में उलझे ही रहोगे। तो सबसे पहले इग्नोर करना सीख लेना। अगर आपने इग्नोर करना नहीं सीखा तो आपकी लाइफ उलझती रहेगी। सेकंड, सोशल मीडिया से दूरी रखना। आजकल क्या करते हैं, हर चीज शो ऑफ करते हैं। किस पर? स्टेटस पर। नई ड्रेस लाए ना तो स्टेटस पर शो करेंगे, नई कार लाए तो स्टेटस पर शो करेंगे, कुछ भी हुआ तो स्टेटस पर शो करेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, फिर उस पर तरह तरह के कमेंट आएंगे। अच्छे कमेंट आएंगे तो आप खुश होंगे, बुरे कमेंट आएंगे तो आप नाराज होंगे। ये सोशल मीडिया आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, आपकी लाइफ को उलझा देता है। और अगर कोई गंदा कमेंट कर देता है ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। उसने ऐसा कैसे कह दिया मेरे बारे में, ऐसा नहीं कहना था। फिर आप अंदर ही अंदर चलते रहते हो। ध्यान रखना, अगर आपकी लाइफ को बिल्कुल स्ट्रेट चलाना है ना, तो सोशल मीडिया से दूरी रखो। ये शो ऑफ करना बंद कर दो, क्योंकि ये शो ऑफ करना बहुत ही तुच्छ लोगों का काम होता है। आपने देखा, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं, क्या वो शो ऑफ करते हैं? क्या वो नई गाड़ी लाते लोगों को बताते हैं? क्या वो कभी अपनी अच्छी ड्रेस लाते लोगों को बताते हैं? क्या वो और भी कुछ नया मकान वगैरह कुछ भी करते हैं तो क्या लोगों को शो ऑफ करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको पता है कि लोगों को शो ऑफ करेंगे तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी लाइफ उलझ जाएगी। तो आप भी कभी ऐसा मत करना। थर्ड, रात को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना। लाइफ हमेशा स्ट्रेट चलेगी। अगर आप रात को लेट सो रहे हो, सुबह लेट उठ रहे हो, तो फिर आपकी लाइफ सीधी कहाँ रहेगी यार? आपकी लाइफ तो हमेशा उलझती रहेगी। सुबह काम में उलझ जाओगे, रात में टेंशन में उलझ जाओगे, हर वक्त उलझते ही रहोगे। तो अपने सोने का और उठने का शेड्यूल सही रखना। ये शेड्यूल अगर सही रहेगा ना, तो आपकी लाइफ हमेशा स्ट्रेट चलती रहेगी, वरना आप उलझते ही रहोगे, कभी सीधे नहीं चल पाओगे। समय की हमेशा कद्र करना सीख लेना। समय कभी वेस्ट मत कर लेना। आप सब जानते हो कि समय की बहुत ही बड़ी कीमत होती है, लेकिन आप क्या करते हो, सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हो, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करते हो, हर कहीं बाजार में बैठते हो, गप्पे लड़ाते हो, आधे घंटे का काम उसको 2 घंटे में करके आते हो, पता ही नहीं चलता है। समय ही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ताकत है, और ये धन से भी ज्यादा है। धन तो वापिस कमाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना, समय एक बार गुजर जाए ना, उसको आप वापिस नहीं ला सकते हो। तो समय की सबसे बड़ी कद्र करना। यही समय एक दिन आपकी कद्र करेगा और आपकी लाइफ हमेशा सही चलेगी। हेल्दी फूड खाना और एक्सरसाइज करना। लाइफ अगर आपकी उलझी हुई है ना, तो हेल्दी फूड खाना और एक्सरसाइज करना। ध्यान रख लेना, अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ना, तो आपकी लाइफ वैसे ही सीधी हो जाएगी। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पर, आपके माइंड पर। एक्सरसाइज करो और अच्छी डाइट लो, आपके मन में पॉजिटिव विचार आएंगे, सकारात्मक सोच आएगी और आप एकदम फ्रेश फील करोगे। आपकी ये उलझी हुई जिंदगी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ध्यान रख लेना।